सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो आज मैं जा रहा हूँ हरिद्वार, यहाँ से अभी लखनऊ से डायरेक्ट ट्रेन है हरिद्वार की, जो कि 12:01 बजे पहुँचाएगी। अभी तो यहाँ बलराजपुर स्टेशन पर ही खड़ा हूँ मैं। और लेकिन पता है, रात में सफ़र करने का कोई मज़ा नहीं आता, सारा व्यू देखो मेरा पूरा, बस स्टेशन समझ में आता है कि स्टेशन आ गया है, तो बस थोड़ी सी लाइट होती, बस बाकी पूरा अंधकार। तो ये है छोटा लाल किला है, क्यों अरे भैया। Sometimes someone comes into your life so unexpectedly। वो अभी ऐसे गन्ना तोड़ के लाया बाहर, वो जो खेत लगा है उधर, वो सामने दिख रहा होगा, उसी से ये गन्ने लेके आए। ये देखो ये खा रहा है, सुबह से चाय नहीं पिए लेकिन गन्ना जरूर खाएगा। सो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार, बज चुका है 2, टाइम काफ़ी लेट हो गई थी ट्रेन, आधे 1 घंटे लेट हो गई ट्रेन। तो हरिद्वार आ चुके हैं, अब यहाँ से चलेंगे गंगा जी के लिए, जो कि नहाने धोने के लिए। बाकी अभी हम लोग जाते हैं होटल देखने, रूम जहाँ पर भी मिलने वाला है वहाँ पर क्या सीन है। तो अभी हम लोग रूम वूम ले कर बैग वैग रख दिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं गंगा जी नहाने। हर की पौड़ी यहीं पास में, और शंकर जी की वो आप मूर्ति देखोगे पास में, उस साइड भी जाएंगे। अभी हम लोग नहा लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ थोड़ी लोकल मार्केट घूमेंगे, और एक दो फेमस टेम्पल भी है माता जी के। क्या नाम था? हाँ, शीतला देवी, और एक और भी है। तो व्यू देखोगे गंगा माता का, और वो रहेगी शंकर भगवान की प्रतिमा, वो जो उधर सामने दूर है काफ़ी दूर। और ये है पूरा हरिद्वार, आप बहाव देखोगे ना, ऐसा लग रहा है जैसे गंगा बैराज पे जो सारे गेट नहीं खोल दिए जाते हैं, उतनी तेज है इसका बहाव, काफ़ी तेज पानी बह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्राउड देखोगे, अल्टीमेट क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर अभी भी। अभी हम लोग गंगा स्नान कर चुके हैं यहाँ से हरिद्वार में, और आप पीछे का व्यू देखोगे ना, पीछे वो शंकर जी की एक बड़ी सी प्रतिमा है, और पूरा क्राउड भरा हुआ है, इसमें बहुत सारे ब्रिज भी बने हुए हैं इधर साइड से लेकर। हाँ, और पानी तो इतना ठंडा है जैसे बर्फ़ गिर रही हो बिल्कुल अभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माता जी के दर्शन के लिए, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर है, पहाड़ है यहाँ पर भी पीछे साइड, तो उधर साइड चलते हैं, और व्यू अल्टीमेट है वहाँ का। मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगा, अच्छा ही एक्सपीरियंस रहेगा वैसे दर्शन में। तो आप लोग भी चलो देखते हैं वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि कब जाएं, कैसे जाएं, किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अभी हम लोग रूम से जा रहे हैं, अजय शिवम नीचे उतर चुका है, हम लोग जा रहे हैं मंदिर के लिए। मंदिर कितना दूर, 1 किलोमीटर है यहाँ से, उस पर वो नहीं, ये पढ़ा 2 किलोमीटर है वो भी चढ़ाई क्या करना, ये हो गई। अरे बटन से हो रहा है, किससे हो रहा भाई ये? तो बस अब हम लोग कुछ नाश्ता करने वाले हैं, उसके बाद मंदिर के लिए जाएंगे। मंदिर 1 घंटा लगेगा चढ़ना उतरना, और ये यहाँ की फेमस दुकान है थोड़ा सा कुछ, ये देख सकते हो। और ये मार्केट लिखा हुआ है, हाँ ये लैंग्वेज बंगाली भाषा में लिखा है, ये बंगाली लिखा हुआ है, तो यहाँ बंगाली कैसे आ जाएगा? और इधर साइड ही मनसा देवी टेम्पल पड़ेगा, चौक से लेफ्ट राइट लेना था, ये सीधे जा रहा है मनसा देवी टेम्पल, चौक है। और ये है मनसा देवी प्रवेश द्वार, ये देख सकते हो आप सीधे इधर साइड से सीधे जाएंगे ना, सामने टिकट मिलेगा 150। तो अब हम लोग खाने वाले हैं कचौड़ी, जो कि यहाँ शायद यहाँ फेमस ही होगी, जैसे दिल्ली में फेमस है वो चाट वाला, वैसे ये। तो ये है उड़न खटोला टिकट काउंटर, इसमें टिकट लिखी हुई है, न� 123 रुपये से, बाकी सारे लिखे हुए हैं आप देख लीजिएगा आगे, 123 नॉर्मल है। और ये रहेगा रूट इधर जाने का,
काफ़ी अच्छी शॉप्स भी लगी हुई हैं इधर चारों तरफ, मार्केट बनी हुई है टोटल। आप मतलब टाइम समझ में नहीं आएगा, जैसे आप वैष्णो देवी जाते हो ना तो चारों तरफ मार्केट जो बनी होती है ना सेम उसी तरीके की मार्केट बनी हुई है ये आप देखोगे इस साइड इस तरीके की। तो अभी हम लोगों ने एक से पूछा रास्ता कहाँ है, तो उसने बताया कोई गली गली घूमते हुए ये किसी का घर आ गया है, उसने ऐसी गली बता दी थी ना कि बस पूछो ही मत, निकल नहीं पा रहे थे उधर। फिर लोकल का एक लोग था उन्होंने बताया कि, और फिर आप जैसे ही पहली बार राइट हैंड पर मुड़ोगे उसके बाद तुरंत सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी और बस फिर क्या चढ़ते चढ़े जाओ। काफ़ी ऊंचा मंदिर है और अब पीछे का व्यू देखोगे ना, इधर घर बने हुए हैं और अब पीछे साइड देखोगे पूरा जंगल बना हुआ है जैसे पूर्णागिर में बना हुआ है। आ जा भाई, बस जैसे ही कुछ सीढ़ियाँ थी मतलब 10-20 सीढ़ियाँ होंगी ना, मुश्किल से 10-20 सीढ़ियाँ जैसे चढ़ोगे पूरा एक रोड आ जाएगा जो कि आप पीछे देख सकते हो इस तरीके का। यहाँ पर आपको स्कूटर भी मिल जाएगा जो 2 लोगों का 50 रुपये लेगा और ऊपर मंदिर तक छोड़ देगा, हाँ और 20-20 भी ले लेगा, और 3 लोग हो तो आपसे 50 रुपये भी ले लेगा 3 लोगों का। और बाकी अभी हम लोग चढ़ने वाले हैं पैदल ही, क्योंकि हम लोगों का थोड़ा वीडियो बनानी थी अच्छी खासी, तो हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। और व्यू देखो पीछे का, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर और ज़्यादातर लोग पैदल ही हैं। और पीछे का व्यू देखोगे आप इस साइड, तो मंदिर देखोगे आप काफ़ी ऊंचा है और पीछे पहाड़ भी हैं। बाकी टाइम भी हो चुका है, एक मंदिर जो पीछे वो सामने इधर से दिख रहा है शायद यहाँ से नहीं दिखेगा। और मंदिर देखोगे आप ये रहेगा, आप शायद पीछे देख पा रहे हो वो ऊपर वहाँ पर रहेगा। बस अभी हम लोग जाते हैं मंदिर और थोड़ा सा जंगल भी है, देखते हैं क्या जंगल का। इधर साइड आप देखोगे तो ये भी एक छोटा सा वाटरफॉल है और इसमें नीचे से पानी के बहाव के लिए भी बना हुआ है, बट अभी इनमें पानी नहीं है। पेड़ मतलब वैसे ही है, जंगल टाइप का है थोड़ा सा, उतना अच्छा भी नहीं है बट ठीक है, जंगल है जैसा उत्तराखंड में जंगल जंगल होता है ना, बस वही है। यहाँ से हरिद्वार और उत्तराखंड सेम ही है समझो, हरिद्वार और वही पहाड़ है वही जंगल है उसी टाइप का। लद्दाख से तो ये काफ़ी अच्छा है भाई। इसका जो मंदिर का एंट्रेंस है वो कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ऊपर गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है और ये साइड में है और एक इधर साइड। तो अब है अंदर जाने का रास्ता और इधर व्यू देखो आप जैसा वैष्णो देवी में है ना, थोड़ा थोड़ा सा कुछ मिलता जुलता है क्योंकि ये भी पहाड़ पे ही है ऊपर, और व्यू देखो नीचे का। बस तो अभी हम लोग चलते हैं इधर साइड, तो आप व्यू देखोगे मनसा देवी टेम्पल का, नीचे सारे जितने भी धर्मशाला होटल और वो रहेगा गंगा नदी हो रहेंगी गंगा नदी। वो देखो ब्रिज बना हुआ है, उधर भी ब्रिज बने हुए हैं, काफ़ी सारे ब्रिज बने हुए हैं, एक उस साइड भी ब्रिज बना हुआ है आप देखोगे, तो इधर टोटल गंगा नदी बनी हुई और पूरा आप यहाँ से देख सकते हो। और वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, पहाड़ पे मंदिर अभी धुंधला धुंधला सा है, वहाँ पर चलना है हम लोगों को इस जगह पर कल, वही है चामुंडा देवी है। तो अभी अजय भैया एक गलत रास्ता पकड़ लिया है क्योंकि थोड़ा कच्चा है और नीचे पूरा पक्का सीमेंटेड रास्ता था, लेकिन ये गलत रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ है, पेड़ एड़ भी हैं तो देख के चलना पड़ रहा है, बट ठीक है। ऑफ रोड मतलब ट्रैकिंग टाइप का है थोड़ा सा ये, और किसी भी पहाड़ पर जाओ तो चढ़ते समय सांस जरूर फूलती है। अभी हम लोग यहाँ पर वाटरफॉल भी है वहाँ पर भी जाएंगे, और बाबा टुंगनाथ जो कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शंकर भगवान का मंदिर है वहाँ पर भी जाएंगे, उसी के लिए हम लोग इधर आए हैं। हरिद्वार के बाद हम लोग वहाँ जाएंगे और सांस बहुत तेज फूल रही है। तो बस अभी हम लोग मंदिर में एंटर कर चुके हैं, कुछ इस तरीके की लाइन लगी हुई है पीछे से और बस अब हम लोग अंदर जा रहे हैं।
मंदिर यहाँ पर मनसासुर राक्षस था उसका वध किया था जैसा कि यहाँ के पंडितों ने बताया है, तो इस वजह से माता जी का नाम पड़ गया था मनसा देवी। सो फाइनली अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। और नीचे जो गंगा आरती होती है यहाँ पर काफी अच्छी होती है और मतलब बहुत फेमस भी है, क्योंकि हरिद्वार से गंगा जी का वो है उद्गम स्थल मान सकते हो। हाँ, यहाँ पर गंगा जी चल रही हैं और रात में जो यहाँ का व्यू है हरिद्वार घाट का तो वो कुछ इस तरीके का नजर आता है। अभी रात के बज चुके हैं कितने, 9 बजने वाला है, 10 मिनट कम है और व्यू आप देखोगे ना अल्टीमेट भाई, इतना ज्यादा क्राउड है। अभी भी लोग मतलब नहा भी रहे हैं, कुछ जला ले रहे हैं पूजा पाठ के लिए, आज सोमवार है शायद इस वजह से भी इतना अच्छा क्राउड है। और नीचे का व्यू देखोगे ना बहुत तेज पानी चल रहा है, बहुत तेज, उधर साइड देखो एक बार, बहुत तेज पानी चल रहा है और अभी भी इतना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर कि पूछो ही मत भाई, मज़ेदार। और हवा एकदम ठंडी ठंडी चल रही है। कल हम लोग चलेंगे कहाँ, ऋषिकेश, कल हम लोग जाने वाले हैं ऋषिकेश और ऋषिकेश से ही निकलेंगे टुंगनाथ के लिए परसों, एकदम अल्टीमेट।